हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब क्या कर रहे हैं हम, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखो, एनपीएन के लिए ब्लॉक डायग्राम आपको पता है, ये एन है, ये पी है, ये एन है। तो इसमें भी वही होगा आपके पास, जो यहाँ पर हमारे पास ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये एमीटर हो गया, ये बेस है और ये वाला आपके पास कलेक्टर है। कितनी बात समझ में आई है। अब देखो, इसमें भी जो ये एमीटर बेस जंक्शन है, ये वाला हम फॉरवर्ड बायस करेंगे और ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, इसको हम रिवर्स बायस करेंगे। तो ये देखो जरा, यहाँ पर ये एन वाली साइड नेगेटिव से कनेक्ट है और पी वाली पॉजिटिव से, ताकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में जाए थ्रू द बैटरी वीईई। और यहाँ पर देखो, ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, इसमें देखो, इसको हमने रिवर्स बायस किया, तो ये एन वाला किससे कनेक्ट होगा, प्लस से, और पी वाला माइनस से। तो ये हमने किस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, वीसीसी से। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वीसीसी लिख दो, चाहे यहाँ पर वीसीबी लिख दो, और ये वीईई को क्या लिख सकते हैं, वीईबी भी लिख सकते हैं, मीटर बेस के लिए वोल्टेज और यहाँ पर कलेक्टर बेस के लिए ये वोल्टेज। क्लियर है। और यहाँ पर आपको पता चल ही रहा होगा, ये बेस जो है कॉमन है इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी, ठीक है, इसलिए कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने इसको बोला है, ठीक है, क्लियर है। और ये जब हम कॉमन एमीटर के लिए पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा कि एमीटर को कैसे कॉमन किया है हमने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग बिल्कुल सेम वैसी है जैसे पीएनपी की थी। अब देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर क्या है, कलेक्टर साइड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे इस बैटरी के। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये इसकी तरफ जाएंगे तो ये एम्प्टी होगा, समझ रहे हो ये बात। अब क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है, इस एमीटर वाले के जो ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये कहाँ पर जाएंगे, बेस की तरफ मूव करेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर कौन सा करंट आएगा, एमीटर करंट आएगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये ऐसे आएगी, ठीक है। अब देखो, 5% जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज होंगे। अब 5% ही क्यों होता है, ये आपको पता है, क्योंकि ये लाइटली डोप्ड होता है, तो ये होल्स ही बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे पीएनपी में जब बेस हमारा एन था तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बड़े कम थे, तो वहाँ 5% होल्स कंबाइंड होते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होंगे कितने, लेकिन 5%। और वो रीज़न क्या है, क्योंकि ये बेस वाला जो पार्ट है ये लाइटली डोप्ड होता है, ये बहुत कम होंगे यहाँ पर, अगर पी वाला है तो यहाँ पर ये होल्स कम होंगे, ठीक है। तो 5% इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइंड होंगे, और उसके बाद जो 95% बचे वो कहाँ जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो जो 5% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन हुए हैं, वो इस प्लस की वजह से क्या होंगे, इसकी तरफ आएंगे बैटरी के। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है करंट उसके अपोजिट जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगा, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये वाले प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे तो ऑब्वियस बात है करंट उसके अपोजिट मूव करेगा, तो कलेक्टर करंट इस तरीके से आएगा। तो ये समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको करंट की डायरेक्शन बताई थी, वो किस तरीके से बताई थी, कि देखो माइनस है तो इसकी तरफ करंट आएगा, ठीक है, और ये प्लस है तो इसकी तरफ से जाएगा करंट, ठीक है। इसी को देखना है हमें इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस है तो ऑब्वियस ही बात है करंट ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, प्लस से जाता हुआ दिखता है और माइनस की तरफ आता हुआ दिखता है। ये मैंने आपको बात पीएनपी में समझाई थी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर आप देखो, इस वाले पॉइंट पे अब केसीएल लगाओगे तो देखो क्या होगा, ये आईई इस पॉइंट की तरफ आ रहा है तो ये प्लस का आईई बनेगा, ठीक है, और ये आईबी जा रहा है इस पॉइंट से तो ये माइनस आई बी, लीविंग करंट माइनस में लिखते हैं, और जो करंट इसके पास आ रहे होते हैं वो कौन से, किस में लिखते हैं, हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये देखो आई सी भी ऐसे जा रहा है तो ये हम माइनस में आई सी लिखेंगे एंड इक्वल टू जीरो। तो ये देखो आई ई कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आई बी इधर जाके प्लस का और आई सी भी इधर जाके प्लस का, तो आई बी प्लस आई सी ही बनेगा। तो आई ई ही है करंट जिसकी वजह से बेस करंट आया और कलेक्टर करंट आया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और ये आपको पता ही है आई बी कितना होता है, हमारे पास 5% होता है आई ई के, और आई सी जो होता है वो कितना होता है, 95% होगा करंट आई ई के, क्योंकि 5% यहाँ पर कंबाइन हुए तो उसकी वजह से ही करंट होगा, वो 5% ही होगा। और यहाँ 95% गए, 95% ही होगा एमीटर करंट का, कितनी बात समझ रहे हो, ठीक है। देखो जी, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको, ठीक। अब इसको पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ से क्या है, द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर इज एज शोन इन फिगर, एंड हियर द एमीटर बेस जंक्शन इज मेड फॉरवर्ड बायस। एमीटर बेस जंक्शन को देखो, हमने फॉरवर्ड बायसिंग में किया विद बैटरी वीईई, एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज मेड रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने क्या किया है, रिवर्स बायस में विद बैटरी वीसीसी। कितनी बात समझ में आई है, ठीक है। अब ये देखो, इसका ये तो ब्लॉक डायग्राम था, यहाँ पर इसका ये सिंबल से बनाया हुआ है हमने डायग्राम, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है कहानी जैसे पीएनपी में थी, बस यहाँ पर ये कौन सा आ गया हमारे पास, ट्रांजिस्टर एनपीएन आ गया। अब इसमें देखो मैंने एरो नहीं लगाया, आप बताओ जरा एरो कहाँ आएगा, एमीटर साइड आएगा, तो बताओ इसको अप करूँ डाउन करूँ यहाँ पर, तो देखो पी से एन जाता है करंट, तो इस तरीके से ऐसे बनेगा एरो, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं, इसकी वर्किंग वही बात लिखी हुई है, देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कलेक्टर रीजन आर अट्रैक्ट, कलेक्टर रीजन से क्या होंगे, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे बाय द टर्मिनल ऑफ द बैटरी वीसीसी, बाय द टर्मिनल ऑफ द बैटरी वीसीसी, मेकिंग द कलेक्टर रीजन एम्प्टी, और एम्प्टी हो जाएगा कलेक्टर रीजन। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो दिख रहा है सभी को, लिखा हुआ है नाउ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमीटर रीजन
आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वी ई। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड वाले, ये रिपेल्ड होंगे इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के, ठीक है। तो ये देखो इधर मूव करेंगे तो ये लिख रखा है मूवमेंट होगी और जिसकी वजह से क्या होगा एमिटर करंट आएगा, लिखा हुआ है गिविंग द एमिटर करंट आई ई एंड 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट कंबाइंड इन द बेस रीजन, और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड होंगे 5% यहाँ बेस में एंड गिविंग राइज द बेस करंट, तो उसकी वजह से बेस करंट आएगा, ये आपको पता ही है क्योंकि जो कंबाइन होंगे इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो उसकी वजह से करंट ये ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो गिविंग द बेस करंट एंड द रिमेनिंग 95% विल मूव टू द कलेक्टर गिविंग द कलेक्टर करंट, और 95% कलेक्टर की तरफ जाएंगे और ये वाले कहाँ जाएंगे फिर ऑब्वियस बात है इस पॉजिटिव की तरफ, उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास यहाँ पर कलेक्टर करंट आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है। वही हमने लिखा हुआ है फिर KCL अप्लाई किया, तो ये जैसे ये मैंने आपको यहाँ समझाया था आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगा, ये आपको पता चल जाना चाहिए किस तरीके से KCL अप्लाई किया है हमने, और आई बी आपको पता है 5% होता है करंट आई ई के और आई सी कितना होता है 95% होता है आई ई के। कितनी बात समझ में आई। अब देखो ये चीज़ आप नोट कर लेना अच्छे से, बिल्कुल सेम ही था, कुछ भी डिफरेंस तो नहीं था इतना ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें ना कुछ गेन्स होते हैं, गेन्स ऑफ कॉमन बेस पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर। इतना आप इसको नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से ये डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाने आने चाहिए आपको, और ये करंट की जो डायरेक्शंस होती हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने आपको समझा भी दिया किस तरीके से आपने सोचनी है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।